छोटा सा घर है मगर यहाँ पर गणपति जी को लाया गया है। जैसे गणेश चतुर्थी के समय होता है, गणेश जी घर आते हैं तो उनकी पूजा वूजा होती है, तो आज वो सब शूट कर रहे थे। और हाँ, इत्तेफाक से आजकल रमज़ान भी चल रहा है, तो जो लोग रोज़े रखते हैं फिर वो खोलते हैं शाम को, तो शाम की शूटिंग थी, शाम को ये भी हो रहा था, तो साथ में मिलके उनके साथ आज इफ्तारी बैठकर खाई और थोड़ा मज़ा आया टेरेस पर सेलिब्रेट करके। हाँ वो भी, और हाँ एक और बात भी कहूँ कि यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी स्टार कास्ट, ऑलमोस्ट मतलब सब नहीं मगर काफ़ी जन, जो जैसे हमारे साथ जो टीचर्स बने हैं, आज उपासना जी भी हैं, शबाना जी हैं, उनके हस्बैंड गिरीश कर्नाड जी प्ले कर रहे हैं, तो सब साथ में थे तो अच्छा लग रहा था। मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी, यानी पूरी तरह से स्क्रिप्ट अच्छी लगी, उसका ये एक भाग भी है और उस भाग में और सुंदरता आ गई जब इस तरह हमारे प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि चलो आज इन दोनों चीज़ों का मिलाप भी कर दें। वो तो इत्तेफाक से हो भी गया, ये पहले स्क्रिप्ट के टाइम पे हमने इतना नहीं सोचा था कि रमज़ान हो रहा होगा, इफ्तारी करेंगे। आज अब बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी टीचर्स को याद करते होंगे, उन्हें फ़ोन करते होंगे, उनको थैंक यू बोलते होंगे, तो मुझे लगता है ये फिल्म देखने के बाद लोग अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे, एक बार ज़रूर उनके दिल में आएगा कि हम अपने टीचर को फ़ोन करें और उनको बोलें थैंक यू सो मच टीचर कि आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। जूही जी के साथ तो मैंने पहले भी कई फिल्मों में काम किया है, मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी कॉमेडी फिल्म उसका नाम लोफर था, तो उसमें अनिल कपूर, जूही चावला, मैं और शक्ति कपूर थे, बहुत खूबसूरत रोल था मेरा और लोगों ने बहुत पसंद किया था उसे। उसके बाद भी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में मैं जूही चावला जी के साथ मैंने 4-5 फिल्में की हैं। हाँ, शबाना जी के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, और मुझे कभी भी, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तब मैं कुछ 17 ईयर्स की थी, तब भी मुझे ऐसे नहीं लगता था स्टार्स को देख के कि ओ माई गॉड मैं नर्वस फील करूँ या मैं डर जाऊँ, क्यों, उसका रीज़न रहा है मैं 7 साल की थी जब मैंने टीवी में काम करना शुरू किया था, और ये मेरी हॉबी थी जिसे मैंने अपना प्रोफेशन बनाया, तो मुझे कोई ऐसा कभी किसी से डर नहीं लगा। तो आज तो कुछ 17-18 ईयर्स हो गए हैं मुझे इंडस्ट्री में, तो आज कैसे डर सकती हूँ जब 17 साल में नहीं डरी। शबाना जी को दिखाया है कि वो मराठी हैं और उनके घर में गणपति रखे हैं और हम सब टीचर्स आते हैं उनके घर में। उस टाइम हमारे स्कूल में बहुत टेंशन का माहौल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम उसे इंजॉय करते हैं, उस फेस्टिवल को। मुझे वैसे भी पर्सनली भी ना ये गणपति पूजन बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक फिल्म की थी माय फ्रेंड गणेशा, आप लोगों ने शायद देखी होगी, उसमें गंगूताई एक कैरेक्टर था जो लोगों ने बहुत पसंद किया था और बहुत बड़ी हिट है वो, बच्चों की बहुत हिट फिल्म है। फिर मैंने इश्क विश्क में भी मराठी रोल किया था तो लोगों ने उसे बहुत लाइक किया, शाहिद जी के साथ थी मैं, तो ये वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, नौवारी साड़ी और गणेश जी का पूजन, और मुझे बहुत सच्चे दिल से मुझे बहुत मज़ा आता है ये करने में। तो आपको क्या बताऊँ मैं, हमारे पंजाब में तो ऐसा सब होता नहीं, मैंने यहीं पर देखा गणपति विसर्जन, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है।